भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले तीसरे टी20 मुकाबले के लिए टीम इंडिया में हुए हैं तीन बड़े बदलाव। किसे मिला है टीम में मौका और कौन हुआ है टीम से बाहर, बताएंगे आपको इस वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया तीसरे टी20 मुकाबले में न्यूजीलैंड को हरा दे तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले दो टी20 मैच जीतने के साथ ही टीम इंडिया तीन मैचों की टी20 सीरीज को अपने नाम कर चुकी है। अब टीम इंडिया की कोशिश न्यूजीलैंड को क्लीन स्वीप कर वर्ल्ड कप में मिली निराशा पर मरहम लगाने की होगी। ऐसे में टीम मैनेजमेंट आखिरी मुकाबले को हल्के में नहीं लेना चाहता है। साथ ही यह भी कोशिश होगी कि आखिरी टी20 मैच में रिजर्व खिलाड़ियों को भी मौका मिल सके। ऋतुराज गायकवाड़, आवेश खान और ईशान किशन टीम इंडिया की बेंच स्ट्रेंथ है। आखिरी मुकाबले में निश्चित तौर पर इनमें से एक या दो खिलाड़ियों को मौका दिया जा सकता है। आईपीएल में ऑरेंज कैप रहे गायकवाड़ पहले तीन स्थानों में से किसी भी पर बल्लेबाजी कर सकते हैं। इसके लिए कप्तान रोहित शर्मा या फिर उप कप्तान केएल राहुल को बाहर बैठना पड़ सकता है। संभव है कि कोच राहुल रवीर केएल राहुल को आराम देने का फैसला करेंगे क्योंकि चार दिन बाद उन्हें टेस्ट श्रृंखला खेलनी है। इसी तरह दीपक चहर या भुवनेश्वर कुमार की जगह आवेश खान को उतारा जा सकता है। अक्षर पटेल या रविचंद्रन अश्विन की जगह युजवेंद्र चहल को प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप से लगातार खेल रहे ऋषभ पंत की जगह ईशान किशन को भी मौका दिया जा सकता है। तो दोस्तों इस पर आप भी अपनी राय जरूर दें कि टीम इंडिया में कौन से बड़े बदलाव होना चाहिए। साथ ही क्रिकेट मैदान से जुड़ी ऐसी और खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।